इधर से। सर अम्मा फिर से होल्ड ऑल खोलने के लिए बोल रही है। अम्मा अब क्या है? मेरे ख्याल में ये सब भी इसी में आ जाएगा। आपके ख्याल से तो पूरी दुनिया इसी में आ जाएगी। अरे पूरी दुनिया का तो पता नहीं, मगर मेरी दुनिया तो आ ही जाएगी इस बिस्तरे बंद में। अम्मा आप पिछले 24 घंटे में 26 बार ये होल्डोल खुलवा चुकी हो, कभी ये रखना है कभी वो रखना है, आप एक बार तसल्ली से तय क्यों नहीं कर लेती? बहुत दूर जा रहे हैं बम्बई, बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ अम्मा, एक बार बैठकर अच्छी तरह सोच समझ लो ना। हाँ, पर एक वही काम थोड़ी है मुझे। वही तो मैं कह रहा हूँ अम्मा, आप कल से इसी पचड़े में पड़ी हुई हो कि ये डाल वो डाल। अब ये क्या है? बाऊजी का कुर्ता है। बाऊजी का कुर्ता, इसका क्या होगा? बड़े दामाद ने दिया था 1978 में, बोला था कमिश्नर साहब आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा बहुत ढूंढने पे मिला। 1978 में? 1978 में तो बाबूजी डीएम थे, कमिश्नर कहां से हो गए? तुझे कहां याद होगा? आपको बड़ा याद रहता है। अब ये कुर्ता बंबई ले जाके क्या करोगी? जिसने दिया था उसी को लौटा दूंगी। क्यों? कब तक तेरे बाऊजी को ढोती रहूं? अम्मा अब ये सब रहने दो, जो बंद गया सो बंद गया, जो कुछ रह गया ना उसे प्लास्टिक बैग में डाल के हाथ में ले ले, ये रखो आप। सुनो अम्मा का जो भी सामान है ना सब बांध दो, कुछ नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। हाँ हाँ वो उनके पास कोई बहाना नहीं रहना चाहिए वापस लौटने का। लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं जानती, अगर अम्मा एक साल से पहले इस घर में लौटी ना तो मैं चली जाऊंगी इस घर से। हेमा साल भर तो वो देखो अम्मा कहीं भी रहे, बॉम्बे रहे पूना रहे दिल्ली रहे या भोपाल रहे, एक सिर्फ तुम ही सपूत तो नहीं बचे हो ना अम्मा के लिए। एक उम्र आती है जब यादें भी बोझ बनने लगती हैं, आदमी कब तक पुरानी यादों के साथ चिपका रहे। आदमी गया तो गया, दो चार दिन रो लिए दो चार साल मातम कर लिया, बाद में आगे कभी तो देखना होता है। अच्छा देख बहू ये देख ये कैसा है, तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। सतना में जब बाबूजी थे ना तो वहाँ पे एक बड़ा जाना माना कारीगर था। सतना खजुराहो के ही पास है, और खजुराहो पे जो कि जो मूर्तियाँ हैं ना उन पे गहनों का काम वो बड़ी अच्छी तरह से नकल करता था। हरीश तो पैदा भी नहीं हुआ था, बस भोपाल वाला बड़का था और तिल्ली थी, तिल्ली साधना। हाँ तो एक दिन बाबूजी जब घर लौटे तो मुझसे कहते हैं कि वो रबड़ी में आम पीस कर जमा देना, गर्मियों के दिन थे। तो मैंने कहा क्यों भाई आज कौन सी खास बात है? तो कहते हैं कि 7 साल हो गए हमारी शादी को। ठीक है हमने रबड़ी आम जमाया। खाने के बाद जब उन्हें देने लगे तो बाबूजी क्या है हाथ पीछे करके खड़े, पर जब हाथ आगे लाए तो इसी डिब्बे को खोलकर ये हमें एक एक करके पहनाने लगे। हमने कहा आई दैया ये है क्या, कहीं से घूस वूस ली है क्या? तो कहने लगे घूस ली नहीं है पर हाँ दे जरूर रहा हूँ। ले ले तुझ पे बहुत फबेंगे। नहीं नहीं अम्मा मैं बाद में ले लूँगी। अरे बाद में क्या, एक बार बम्बई चली गई ना तो क्या भरोसा कब लौट के आऊँ ना आऊँ। अब अम्मा दे रही है तो ले लो ना। नहीं नहीं बहुत महंगा है ना। अरे तो कौन सा तुझे इन्हें गलाकर खेत खरीदने हैं, मैं तुझे दे रही हूँ तू हिमानी को दे देना। और हिमानी आदमी चले ना चले पर गहने तो चलते हैं ना पुश्तों पुश्तों। नहीं अम्मा मैं नहीं लूँगी, हिमानी को देना है ना तो खुद ही दे दीजिएगा। ये तो है ये तो है, हमारे खानदान में गहनों का शौक कभी किसी को नहीं रहा।
रखती हूँ। रखो रखो रखो। चलिए साहब, किसी भी बहाने सही, हम बेचारों की जिंदगी में कुछ तो बाहर आई। कल 2 से 4 हुए थे, आज 4 से 6 हो गए, और कल जब अम्मा और कर्नल साहब आएंगे ना तो 6 से 8 हो जाएंगे। मैं तो मनीष से भी कहूंगी कि मोना को लेके 8-10 दिन के लिए यहीं आ जाए। हाँ, बढ़िया फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा। मौसा जी, आप तो अपने वाले रूम में, मनीष मामा और मामी बड़े वाले रूम में, हिमानी और नानी उनके बगल के रूम में। आर यू क्रेजी? मैं दादी के साथ नहीं सोऊंगी। पता है वो सुबह कितने बजे उठ जाती है? 4 बजे, 4 o'clock। और मैं मम्मी और पापा वो वाले रूम में। बेटा, पापा अपने घर जाएंगे, उनको हर रोज काम पे निकलना होता है ना। तो क्या हुआ मामा, अभी तक तो यही रह रहे थे ना? हाँ, पर आज से वो सीमा, जब सब लोग यही रहेंगे तो वो अकेला क्यों रहेगा? दीदी, मानस को अकेला रहना अच्छा लगता है। पापा, आप यहीं रहोगे ना? पापा आप? नहीं, मम्मी कह रही हैं तो ठीक ही है, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। और वैसे भी इतने सालों से अकेला ही हूँ दिल्ली में भी किसी के साथ रहते हुए। ओ पापा, प्लीज डोंट, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू ऑस्कर्स फॉर डायलॉग्स, ओके? शट अप। यू वांट मी टू स्टे विद यू? यस, आई स्टे विद यू। एंड आई वोंट। अगर मानस यहाँ रहेगी तो मैं। दीदी पूछो मानस से, उसने दिल्ली छोड़ते वक्त क्या कहा था। उसने कहा था कि उसे दिल्ली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे प्रॉब्लम है। अगर दो लोग एक शहर में एक साथ नहीं रह सकते तो एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि अगर हम साथ रहते हुए भी अलग रहते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं दिल्ली में रहूं या बंबई में। कम ऑन मानस, तुमने जो कहा था वो। एक मिनट, अब किसने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था इसको जाने दे। 100 बातों की 1 बात। बड़ा कौन है यहां? मैं। ये शहर किसका है? मेरा। तो बात किसकी मानी जाएगी? मेरी। नंबर 1, सीमा, तुम यहां मेरे घर आई हो, इसलिए हिम्मत भी मत करना यह सोचने की कि तुम कहीं और चली जाओगी। नंबर 2, मानस, माना कि तुम्हारा घर है यहां, पर जब मेरा भांजा यह कहता है कि वो अपने पापा के साथ रहेगा तो वो अपने पापा के साथ रहेगा। और रही बात मेरे भांजे की, तो वो यहां मेरे घर अपनी 2 टांगों पर चलता हुआ आया था, तो यहां से अपनी 2 टांगों पर चलता हुआ ही जाएगा, पीरियड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो मुझे पराठा दो। पराठा? खबरदार, मैंने जो कहा वो तुरंत माना जाए। थैंक यू मौसा जी। यू आर वेलकम बेटे। देखा कितना भारी पड़ा तेरा यहाँ आना? 2-4 दिन की स्कूल की बंकिंग के नाम पे दोनों को हवाई जहाज का टिकट लेके भेजा मैंने, और अब टांग तोड़ के बैठ गया है। मैं तो आई ही आई हूँ जहाज से, 2-4 दिन तक तो हिल भी नहीं सकती तेरे साथ। सिर्फ 2-4 दिन? मतलब हम 2-4 दिन में वापस चले जाएंगे। तो क्या सारी जिंदगी रहना है यहाँ पे? पर मामा, मैं वापस जाकर स्कूल तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और मेरा ऑफिस? मामा, आप ऑफिस से 1-2 हफ्ते की सिक लीव ले लो ना प्लीज। हाँ हाँ, जिससे मैं दिल्ली जाते जाते तेरे पापा को देखते देखते वाकई सिक हो जाऊं। अरे मामा, यू डोंट नो, कल हॉस्पिटल के जिस रूम में था ना मैं, उधर मैंने टीवी पर देखा था, दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, इनफैक्ट वो वर्ल्ड में 4th नंबर पर है। बॉम्बे इज लेस पोल्यूटेड मा। इट्स नॉट द पोल्यूशन,
इट्स योर पोल्यूटेड फादर. अरे कोई है क्या घर पे? हिमानी, हिमानी. हिमानी कहाँ, वो तो आजकल डबल एडवेंचर्स कर रही है. मतलब? She is dating two boyfriends, ma, और वो भी एक साथ. So, how does it concern you? No, not really. But I was just stating a fact. तू आजकल बहुत facts state करने लगा है, हाँ? दीदी, कहाँ हैं सब लोग? Yes. आप सीमा बुआ हैं? साकेत. आपने मुझे पहचान लिया? जब कोई किसी के बारे में इतना बोले तो अपने आप एक तस्वीर बन जाती है आपके सामने. वैसे हिमानी भी अक्सर आपके बारे में बातें किया करती है. तुम्हारे इतने सीक्रेट्स मालूम है मुझे कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती हूँ. लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर मोस्ट वेलकम. कम कम. हिमानी अंदर है? हाँ, अभी एक दो घंटे पहले तो यही थी. हिमानी, यार अब्दुल जरा वापस दिखाना. वापस क्या चीज दिखना है? वो नीचे अपना हीरो बैठा ना, हीरो दिखा जरा. अबे जल्दी जाओ. हाँ फिक्स कर, फोकस कर रहे, फोकस. अरे यार ये लड़की कौन है? होगा अपने हीरो कोई नया लफड़ा. अरे बड़ा खूबसूरत लफड़ा यार. अपनी अपनी किस्मत है भाई. शायद हर इंसान के साथ ऐसा होता होगा, जो वो हासिल कर लेता है उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता. हिमानी, मैं अपने स्टारडम से बोर हो चुका हूं. जहां भी जाओ लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सुरखाब के पर लगे हो तुम. डोंट यू एंजॉय दैट? या आई यूज्ड टू बट नॉट नाउ. इट्स लाइक हीरे पहनने की आदत पड़ जाए फिर रास्ते पे पड़ा हुआ आम पत्थर भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगता है. हिमानी, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं. मैं एक आम आदमी की तरह जीना चाहता हूं. मैं भी किसी सड़क पर रुककर 50 पैसे वाली चाय पीना चाहता हूं. मैं फिर से वो महसूस करना चाहता हूं जो तब था जब मैं कुछ नहीं था. जैसे कि दिन भर की धक्का मुक्की वाली लोकल ट्रेन की स्ट्रगल के बाद रात को 11 बजे खाली डिब्बों में पैर पसार कर करने वाला सफर, जब समंदर की ठंडी हवा आपके चेहरे से टकराती है, जैसे जैसे सारा सारा दिन अपनी भूख को दबाकर शाम को 5 बजे एक वड़ा पाव खाने का सुख, जैसे जैसे किसी खूबसूरत लड़की हिमानी से बात करने का सुख. अच्छा तो मैं रास्ते में पड़ा हुआ एक आम पत्थर हूं? नहीं, तुम वो खुशी हो जो किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती है. किस घटिया सीरियल का डायलॉग है ये? वो सीरियल जो अभी तक बना नहीं. बस अब ऑटोग्राफ के लिए एक ही जगह बाकी रही है. मान लिया, तुम तो बहुत पॉपुलर आदमी हो. ये तो सब दिल बहलाने वाली बात है. नहीं तो साकेत भैया, मेरे फैमिली में मेरी बात मानने वाला कोई है ही नहीं. कौन लोग नहीं मानते? अरे कोई नहीं मानता, मम्मी पापा कोई नहीं. कौन सी बातें नहीं मानते? सोमू, यू वांट मी टू स्टे हियर अ फ्यू मोर डेज? देखा, दुनिया के सारे ब्लैकमेलर्स मेरे ही फैमिली में भरे पड़े हैं. एक टॉप ग्रेड के ब्लैकमेलर को तो मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. कौन? हिमानी दीदी. कल तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे थे? अरे तुम दोनों के झगड़े भी शुरू हो गए. अरे वो क्या कहते हैं, हाँ हेरिडिटरी है मामा. इन स्कूल दे टीच यू दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज योर बेसिक राइट. बिग लायर्स. किस बात का झगड़ा हुआ है भाई? इज इट दैट प्रिंस चार्मिंग? हाउ डू यू नो? आई नो एंड लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स. मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच में क्या है और जो कुछ भी है वो कितने मायने रखता है. लेकिन जब मैं ये सब कह रही हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि हिमानी मेरी बेटी है. आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई नो. इट्स माय एक्सपीरियंस. ओह शट अप सोमू, यू जस्ट कांट कीप पनिशिंग मी फॉर समथिंग दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर.
हाँ सीमा बुआ, आप कुछ कहने जा रही थी? देखिए, ये मेरा हिमानी के साथ पहला झगड़ा नहीं था। हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज झगड़ते हैं। मैं इसलिए बिकॉज आई रियली लव हर, और वो शायद इसलिए बिकॉज शी थिंक्स दैट आई एम वेरी पोजेसिव, विच इन फैक्ट आई एम। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे। एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी कन्फ्यूज बिटवीन मी एंड दैट डैम जोकर। कन्फ्यूज होने में कोई बुराई नहीं है साकेत, आजकल तो लोग एक साथ तीन तीन लोगों के साथ प्यार करते हैं और फाइनली वो ये रियलाइज करते हैं कि वो किसी से प्यार नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपने आप से प्यार कर रहे थे। मज़ा तो तब है साकेत जब तुम वाकई तब तक इंतज़ार करो जब तक हिमानी का ये कन्फ्यूजन दूर ना हो जाए। And what if I come out as a loser? Well, then Himani is not the last girl on this earth, Saket. No, Seema Bua. It's not only Himani. It's about me. And I don't like losing. Oh. Okay. और फिर वो कहता है, ना ही मुझे तुम्हारी आंखों में समुंदर नजर आता है, ना ही तुम्हारे लबों पर जाड़ों की धूप, फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे मैं नजर आता हूं। फिर एक सेकंड का पॉज, उसके सामने देखती है और कहती है, यू आर अ मेल शॉविनिस्ट पिग। अगर मेरी आंखों में अपने को ही देखना है तो एक आईना क्यों नहीं खरीद लेते? इंटरेस्टिंग। कैन आई किस यू? कैन आई किस यू? तो फिर वो क्या कहती है? आई डोंट नो, यू टेल मी, क्या कहना चाहिए? आई थिंक शी शुड से नो। क्योंकि अगर उसे लड़की नहीं एक आईना चाहिए तो ही कैन वेरी वेल किस हिमसेल्फ इन द मिरर। इंटरेस्टिंग। थैंक्स। कैन आई किस यू? हर आंसर इज स्टिल अ नो।